वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। ये देखिएगा बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा एक नई वैकेंसी निकाली जा चुकी है। ये है 32वीं बिहार न्यायिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर असैनिक न्यायाधीश कन्या कोटि के पदों पर नियुक्ति हेतु सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक 1017 दिनांक 13-1-2023 एवं पत्रांक 2561 दिनांक 7-2-2023 के आलोक में कुल 155 पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य उम्मीदवार के विहित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश बिहार लोक सेवा आयोग की वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in पर प्रदर्शित है। इन रिक्त 155 पदों की कोटिवार विवरणी निम्नलिखित है। देखिए, अनारक्षित में 61, इसमें 35% क्षैतिज आरक्षण के तहत 22 महिलाओं के लिए, आर्थिक रूप से कमजोर 15-4, अनुसूचित जाति 29-7, अनुसूचित जनजाति 2-1, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 30-10 और पिछड़ा वर्ग 18-6, यानी कि कुल 155 में से 35% लेटर आरक्षण के तहत 50 पद महिलाओं के लिए है। अब इसमें देखिएगा आप लोग, इसमें जो पीटी का एग्जाम होगा, इसमें प्रथम पत्र में सामान्य अध्ययन 100 अंक का होगा, द्वितीय पत्र विधि का होगा यानी कि लॉ, ये 150। और आपको पता होगा कि शैक्षणिक योग्यता बार काउंसिल ऑफ इंडिया नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से आपको LLB यानी विधि स्नातक अथवा समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। यानी कि जैसे देखिएगा कि LLB जो किए हुए हैं उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद देखिए, प्रारंभिक परीक्षा जो है होगा, मुख्य परीक्षा होगा, फिर इंटरव्यू होगा। इसमें देखिएगा कि इसमें दिया हुआ है कि चयन मुख्य परीक्षा में सामान्य ज्ञान, प्रारंभिक सामान्य विज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, साक्ष्य एवं प्रक्रिया विधि, ये पूछा जाएगा। आप सिलेबस को एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा कि ये कब से आप अप्लाई कर सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको बता दूं, ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 27-2-2023 है और ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 27-3-2023 है। यानी 27 फरवरी से आप ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं और इसका लास्ट डेट 27 मार्च 2003 होगा, यानी एक महीने का समय दिया गया है। तो इस प्रकार जो है, आप लोग जो भी लोग एलिजिबल हैं, आप लोग निश्चित रूप से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और इसमें जो भी आपको दिक्कत हो एक बार कमेंट कर दीजिएगा, फिर मैं क्लियर आपको कर दूंगा। तो बस आज के वीडियो में इतना ही अपडेट।